इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले टीम और विन से होती है यहाँ पर विन उसके घर में जबरदस्ती एंटर कर जाता है तभी टीम उसे रोक भी नहीं पाता उसके बाद विन उससे पूछता है कि आज क्लब क्यों नहीं आया टीम कहता है कि बिकॉज वो थोड़ा लेजी फील कर रहा है दैट्स ऑल सो तुम जाओ ना तभी यहाँ पर विन कहता है कि अच्छा तो तुम लेजी फील कर रहे थे ये दोनों बेड पर ही ग्राउल करने लगते हैं जितना टीम विन से दूर जा रहा था उतना ही विन टीम के करीब आ रहा था इसके बाद उसके पास आकर बोलता है जस्ट लेज़ी हाँ इसके बाद उसे उसका ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि जल्दी खा लो और तैयार हो जाओ इसके बाद ये दोनों ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं तभी यहाँ पर टीम इस बात के लिए कंप्लेन करता है कि एक तो बीमार है ऊपर से तुम्हें सारा का सारा स्पाइसी फूड लाए हो तभी यहाँ पर विन कहता है बिकॉज तुम एक्चुअली तो बीमार नहीं होना सिर्फ लेज़ी हो इसलिए खाओ आराम से तभी यहाँ पर टीम कहता है कि एक मिनट तुम्हें कैसे पता कि मेरा रूम कहाँ पर है तुमको स्पाय हो क्या तभी यहाँ पर हम देखते हैं हम विन को देखते हैं जो कि डीन से मिलता है और उसके बाद यहाँ पर वो डीन से कहता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर्स कहाँ पे इसके बाद वो विन के डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था बाद उसे टीम का एड्रेस मिला और लकीली फॉर एस एंड अनलकीली फॉर टीम विन भी इसी बिल्डिंग में रहता है वो भी जस्ट पास वाले अपार्टमेंट में टीम विन पर तो गुस्सा होता है कि तुम सच में कोई स्पाई हो गया तो मैं ऐसे किसी की पर्सनल चीजों में नहीं घुसना चाहिए तभी यहाँ पर विन कहता है कि मैं जो सोचाऊँ कर सकता हूँ इसके बाद टीम पूरी कोशिश करता है विन को अवॉइड करने का तभी विन कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो क्या तुम गिल्टी फील कर रहे हो जो भी रात में हुआ देखो सब कुछ हम दोनों की मर्जी से हुआ था राइट मैंने तुमसे सारी परमिशन लेकर सब कुछ किया था आई I मीन mean, तुम खुद मेरे रूम में आए थे दैट्स सो सिंपल टीम थोड़ा एम्बेरिस हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी बट यहाँ पर विन कहता है कि वैसे सोचूं तो देर वॉज नाइस अमेजिंग नाइट है ना तब यहाँ पर टीम पलट कर उसे देखता है और कहता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था नहीं मैं उस बारे में सोच रहा हूँ मुझे क्यों गिल्टी फील होगा आई डोंट फील गिल्टी इसके बाद यहाँ पर टीम कहता है अगर तुमने सारी बातें कर ली हैं तो तुम जाओ ना अपने रूम में इसके बाद विन को बाहर भगाने लगता है अभी विन कहता है कि आँ मैं जा रहा हूँ वैसे भी अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ तभी यहाँ पे टीम कहता है कि नो थैंक्स के बाद जैसे विन वहां से चला जाता है टीम अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसकी हार्ट बीट भी काफी तेज चल रही थी भले वो कितना भी कोल्ड होने की कोशिश करे बट समथिंग इज़ स्पेशल तभी वो कहता है कि ठीक हवा में मत उड़ो ऐसा कुछ भी नहीं है वन सुद साथ फ्लड करता है और तुम कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं हो उसके लिए विन बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तभी उसे उस टीम मेट और क्लासमेट में टूल उसे दिख जाता है और कहता है कि वन तुम इतने देर इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हो तभी यहाँ पर विन कहता है कि माइंड यूर ओन बिजनेस तो मैं क्या मतलब मैं कहीं भी जाऊँ टूल कहता है कि तुम वैसे इस वाली साइड तो कभी नहीं आते कुछ चक्कर है क्या तब तो यहाँ पे है कि कहा ना माइंड यू ओन घुसने की कोशिश मत करो अगले दिन हम टीम को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी से अपनी कार पिक करता है यहाँ पर जैसे ही वो नेक्स्ट साइड में देखता है तो यहाँ पर वेन उसके साइड में खड़ा हुआ था और कहता है कि दरअसल मेरी आज बाइक ठीक नहीं है गैस काफी एक्सपेंसिव हो गई है तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ चलू तब तो यहाँ पर टीम कहता है कि अच्छा तुम जैसा अमीर इंसान रिजोर्ट ओन करता है उसके लिए गैस एक्सपेंसिव है दैट्स नॉट फनी ओके अपनी बाइक लो और जाए यहाँ से तभी यहाँ पर विन तैयार नहीं होता और कहता है कि जाऊँगा तो तुम्हारे साथ ही इसके बाद टीम उसे रुक भी नहीं पाता तो उसके बाद उसे विन के साथ आना ही पड़ता है यहाँ पर वो अपने फ्रेंड फार्म एंड मनाओ से मिलता है जो कि अपनी बात के लिए परेशान थे तभी फार्म से मिलने के लिए डीन आ जाता है यहाँ पर मैं पता चलता है कि डीन और फार्म भी काफ़ी तक क्लोज आ चुके हैं डीन ने फार्म का पीछा छोड़ा नहीं है और फार्म को देखता है जो कि काफ़ी अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था तभी मनाओ कहती है कि देखो इसे कितने ब्लश कर रहा है वैसे तुम तो और डीन का कुछ चल रहा है क्या? तभी यहाँ पर फार्म कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है टीम 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 पर आते हैं और हैं और कहते कि कि तुम्हें क्या हुआ था कल तभी कहता है कुछ नहीं दरअसल मेरा कुछ दिमाग खराब है आज तो बस मेरा किसी ने दिमाग खराब कर दिया है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बाद यहाँ पर हम विन को देखते हैं जो कि डीन से बात करते हैं और कहता है कि हमें दरअसल अपनी ट्रेनिंग स्ट्रेटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए इतने में यहाँ पर टीम आ जाता है इसके बाद वो डीन को ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि की दरअसल फार्म ने आपके लिए भेजा है उसने कहा था कि शायद आपको पसंद आए यहाँ पर डीन उस ब्रेकफास्ट को देख कर ब्लश करने लगता है कि पाम ने उसके लिए बनाया है बिन डीन को नोटिस करता है और कहता है कि कुछ अजीब नहीं है तभी डीन कहता है कि जब करो तुम दोनों इसके बाद बिन कहता है कि मेरा ब्रेकफास्ट तब यहाँ पर टीम कहता है कि तुम इतने स्पेशल नहीं हो पाम के लिए जो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा इसके बाद वो अपना बॉक्स खोल कर खाने लगता है तभी यहाँ पर बिन बिन उससे छीन कर उसका ब्रेकफास्ट खा जाता है और कहता है कि ठीक है तो इट्स माइंड इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं बिकॉज दोनों एक दूसरे का ब्रेकफास्ट एक्सपॉइल कर दिया होता है विन कहता है कि ठीक है गुस्सा मत करो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खाने के लिए ले जाऊंगा इसके बाद वो विन को कैंटीन ले जाता है और यहाँ पर ये यह दोनों साथ में खाना खाते हैं ये दोनों ब्रेकफास्ट ही कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर विन कहता है कि अच्छे से खाओ माय बॉय तभी यहाँ पर टीम कहता है तुम्हारा बॉय कौन सा बॉय मैं तुम्हारा कोई बॉय नहीं हूँ मैं ठूल यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ओ विन तुम कब से ब्रेकफास्ट करने लगे यूजुअली तुम तो सिर्फ और सिर्फ कॉफी लेते हो ब्रेकफास्ट में तभी यहाँ पर विन कहता है कि तुम भी तुम कब से खाना खाने लगे यहाँ पर ये दोनों इच्छुप हो जाते हैं तीन को नोटिस करता है और कहता है कि ये तो हमारे क्लब का फर्स्ट एड का जो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तभी यहाँ पर विन कहता है कि हाँ यहाँ पर चूल कहता है कि मुझे लगता है कि विन की बात तुम ही इस क्लब के सक्सेसर बनने वाले हो बिकॉज यू आर रियली गुड एंड इनक्रेडिबल है ना विन तभी विन कहता है कि शायद हो सकता है तो मुझे कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग नहीं है कि तुम किसी के साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हो मतलब कुछ और तभी यहाँ पर वेन से चुप करवा देता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने ऐसे मूड में क्यों रहते हो जाओ ना यार उसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी तभी यहाँ पर टीम अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था तभी यहाँ पर विन उसके पास आता है और उसके काफ़ी करीब आ जाता है तभी इतनी वहीं टीम की धड़कनें तेज होने लगती हैं इतनी भी विन उससे उसकी ड्रिंक देता है और कहता है कि बी प्रिपेयर और साथ में उसे एक छोटी सी किस्मी इसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है दैट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम एबीसी टीम और विन को देखते हैं जो कि ये पांचों अभी इस क्लब में बचे हुए थे तब यहाँ पर एबीसी की टीम से कहते हैं कि क्या तुम तो तीनों को घर ड्रॉप कर दोगे तब यहाँ पर टीम कहता है की दरअसल मुझे अपनी फ्रेंड का वेट करना है और फ्रेंड कोई और विन ही था जो उसके साथ आना जाना स्टार्ट कर दिया था इसके बाद यहाँ पर वो तीनों कहते हैं कि कौन सा फ्रेंड पर टीम बताता है कि आदू काफी टायर्ड है इसके बाद वे उससे हाथ देता है और कहता है कि तुम खड़े तो हो जाओ उसके बाद टीम खड़ा हो जाता है और दोनों काफी धा करीब होते हैं फिर टीम से कहता है कि किस में टीम तो उसे किस नहीं करता पर विन उसे जरूर किस कर लेता है कहता है कि यहाँ पर कैमरा हैं इसके बाद अंदर चला जाता है और टीम उसे दोबारा फॉलो करता है और यहाँ पर ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं तो इसी के साथ हमारा ये पार्टी भी खत्म हो जाती है